मध्ये मी सध्या टोल टॅक्स वर उभा आहे. माझ्या पाठीमध्ये बघू शकता मला टोल टॅक्स. हा टोल टॅक्स नागपूर सोलापूर जो नवीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर भारतमाला परियोजनेमध्ये बनणार होता त्याचा अर्धा टप्प्यातलं काम झाल्यानंतरच वर्धा ते नागपूरला जोडणार आहे. हा त्याच्यामध्ये भुट्टेपुरीला जो फ्लायओव्हर आहे जो हैदराबाद फ्लायओव्हर तिथे त्याच्यामध्ये पण हा पूर्ण बनल्यानंतर न बनूनही जो एक स्पेन चालू झाला होता जो स्पेन कंपनी कॉन्ट्रॅक्टनुसार भेटला जाते त्याचा तो हा जो टोलटॅक्स हा चालू होणार होता त्याच्या निषेधार्थ इथले लोकल म्हणजे गावाचे जे आजूबाजूला इफेक्टेड जे गाव होते जे इफेक्टेड शेतकरी होते कारण की ही जी जागा आहे आपण बघू शकता या ठिकाणी हा जो टोलटॅक्स हा एक शेतीमध्ये बनलेला टोलटॅक्स आहे आणि लँड ॲक्वरायज केल्यानंतर हा टोलटॅक्स सुद्धा बनलेला आहे. आणि आज हा टोलटॅक्स चालू होणार होता पण हा टोलटॅक्स चालू होण्याच्या पूर्वीच काँग्रेसने याच्यावर हल्लाबोल करत हा टोलटॅक्स बंद करा अशी भूमिका आक्रमक भूमिका घेऊन आज रस्ता रोको आंदोलन करत आहे. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया यांच्या काय प्रतिक्रिया आहे. ॲक्च्युली शेतकऱ्यांचे पैसे जे होते ते न भेटले शेतकऱ्यांचे पैसे पूर्ण मिळूस तर टोलटॅक्स हा चालू नाही हो अशी यांची मागणी आहे. आपली काय रस्ता रोड कशा वर्धा रोड ये तुर्जापुर एक्सप्रेस ये बना है नया जिस पर अभी टोल नाका शुरू होने वाला है करके बोर्ड लगा था जिसके संदर्भ में इस परिसर के पूरे जनता को एक कन्फ्यूजन है कि भाई टोल नाका शुरू होने के बाद यहाँ के स्थानिक लोगों का क्या रहने वाला है. साथ में यहाँ पर मिस्टर निसार अली है जिनका खेत रुई खैरी मौजा में नेशनल हाईवे में गया है जिसका रोड बन गया और उसके ऊपर ट्रैफिक भी शुरू हो गया है और उसके पैसे आज तक नेशनल हाईवे ने उनको एक रुपया नहीं दिया है. वो परेशान है. उन्होंने एप्लीकेशन लगाया मोजनी के लिए भी एप्लीकेशन लगाया सब चीज़ होगी लेकिन उनको आज तक एक रुपया भी नेशनल हाईवे ने दिया नहीं. तो हमारी ये मांग है कि भाई किसानों का जो लोगों का पैसा बचा है पहले वो दे साथ में मेरा भी कुछ उसमें पैसा है हमारी भी जमीन गई है. और स्थानीय यहाँ पर 20 किलोमीटर तक जो लोग हैं जो किसान हैं जो यहाँ के रहवासी हैं और स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों को टोल माफ़ किया जाए. और इसमें जो बड़ी गाड़ी है जो बड़ी गाड़ी जैसा मालवाहक गाड़ी है जैसा किसान ने अपना बैंगन लाया टमाटर लाया मिर्ची लाया उसके घर के लिए कुछ खाद लेके जाना है खेत के लिए वो गाड़ी के लिए भी टोल माफ होना चाहिए. तो इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए कि भाई हमको पता लगा कि भाई टोल नाका आज शुरू होने वाला है बैनर वगैरह सब लगे थे तो हम सब गाँव वालों का विरोध है कि भाई हमारे जो प्रॉब्लम है पहले नेशनल हाईवे सॉल्व करें और उसके बाद पे टोल नाका शुरू करें यही हमारी मांग. और इसके आजू बाजू 20 किलोमीटर में जो गांव है जैसा सेल्डो है सिंधी रेलवे है खड़की है ये लोगों को आना जाने का काम पड़ता है फैक्ट्री में तो इन लोगों के लिए टोल माफ होना चाहिए हम फ्री होना चाहिए. ये जो पूरी MIDC जो है आज की नहीं है बहुत पुरानी है और यहाँ हजारों लोग जाते हैं गाड़ियों से जाते हैं और वो कम हो रहे हैं अलग लेकिन अब उनको जाने आने के लिए ये रोड से जाना पड़ता तो फोर व्हीलर का वो टैक्स कैसा देंगे वो टोल कैसा देंगे. अच्छा प्रशासन अगर अपने प्रशासन के साथ हमने आपको बताया कि भाई यही मांग है और हमारी ये सीट टोल नाके के संदर्भ में हमारा टोल नाका तो लगेगा और उसका टोल लेना भी चाहिए सरकार में उसका विरोध नहीं है लेकिन जो हमारी मांगे हैं जो जनता को यहाँ पर तकलीफ होने वाली है स्थानीय लोगों को फ्री करना चाहिए 20 किलोमीटर तक और जो किसान के पैसे देने के हैं जमीन के पहले वो देना चाहिए उसके बाद टोल नाका शुरू करना चाहिए. आपकी कितनी जमीन गई है इसमें. 2 एकड़. आपने कितने बार मतलब लैंड एक्विजिशन के लिए अपने मांग की इसकी. हमको मालूम ही नहीं. अच्छा बिना बताए बिना बताए रोड बना लिए पुलिया बना लिए ट्रैफिक भी चालू. अच्छा आपको इसके बारे में पूरा मालूम ही नहीं कुछ भी मालूम नहीं. अभी भी आपके अभी मोजनी हुई है सरकारी मोजनी अब कितनी जमीन की पता चले. अभी पता चलेगा मोजनी के लिए आपने डाला है. मोजनी के डाला तो अपना बाकी
चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं।